बिष्टपुर थाना में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब चोरी का एक आरोपी अचानक थाना से फरार हो गया। मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब चोरी के एक आरोपी युवक रोहित कुमार मौका पाकर थाना से फरार हो गया, मगर सिपाहियों की नजर उस पर पड़ गई और लगभग आधा किलोमीटर दूर उसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। रोहित को सुनारी में एक चोरी की घटना में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सामने बराबर बोले छोड़ देने के लिए भाग गया, भागा था अभी भाग आने से भाग घर आने के लिए दवाई नहीं दे रहे घर नहीं। शाम को तुमको बोला ना कि छोड़ देंगे। हां सर दवाई नहीं दे रहे तभी तो मांग रहे सर। क्यों भागा तुम? हमको दवाई चाहिए, बुखार ठंडा बहुत लग रहा है। क्या नाम क्या तेरा? हां क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है सर। कुछ नहीं किया सर, हम सुनारी बिल्डिंग ग्राम में रहते हैं। दूसरा कोई चोरी किया हमको फंसा दिया सब। अच्छा फिर क्या कहा? भाग रहा था थाना से? हमको ठंडा लग रहा तबीयत खराब है, बुखार, दवाई मांग रहे, कोई नहीं दे रहा सर। थाना से कहीं भाग रहा था? दवाई मांग रहे थे, कोई नहीं दे रहा। हम बोले घर जाएंगे तोड़ते हुए दवाई लेके आएंगे घर। उसको फिर थाना जाता है? बुखार है सर, कल रात से बुखार। गया है कभी जेल? नहीं सर, एक बार गए थे। जीआरडी टाटा के 111वीं जन्म दिवस के मौके पर मिनी मैराथन में विभिन्न स्कूलों के 1000 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। भारत रत्न जीआरडी टाटा के 111वीं जन्म दिवस के अवसर पर टाटा अर्बन सर्विसेज और टाटा स्टील खेल विभाग द्वारा मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लिए 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक स्पर्धा रखी गई थी। खराब मौसम के बावजूद विभिन्न स्कूलों के 1000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें भाग लिया। जीआरडी टाटा का जन्मदिन के अवसर पर जमशेदपुर में 700 स्पोर्ट्स प्रोग्राम हम लोग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का माध्यम से हम लोग को TSRDS, TCS, अर्बन सर्विसेज और ट्रेनिंग सेंटर एंड कितना भी कम्युनिटी बच्चे लोग को उसमें भाग ले रहे हैं। करीबन 1100 बच्चे लोग को भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग कल 29 जुलाई को जोगा स्पोर्ट्स का क्रॉस कंट्री करा रहे हैं, उनका करीबन 20 स्कूल भाग लेंगे। 30 तारीख को प्रोजेक्ट स्कूल, कितना भी गवर्नमेंट स्कूल्स है सब स्कूल्स का भी वो लोग भी करीबन 27 स्कूल बच्चे लोग भाग ले रहे हैं। करीबन 3000 बच्चों को इस क्रॉस कंट्री रेस में 3 दिन में भाग लेंगे। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के निधन पर राष्ट्रीय शोक के तहत जिला समाहरणालय में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के निधन पर केंद्र ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज को भी आधा झुका दिया गया है। ADC सुनील कुमार ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है, इसमें झंडा को झुकाया गया है 5 दिनों के लिए। पूरा राष्ट्र मर्माहत है और संवेदना पूरे राष्ट्र की ओर से व्यक्त की गई है और हम लोग भी राष्ट्रपति के देहावसान से बहुत मर्माहत हैं, दुखी हैं और उनके दिवंगत आत्मा की शांति के हमारे हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। डिमना रोड की रहने वाली एक युवती के संदेहास्पद ढंग से मौत हो गई है। युवती का नाम प्रिया बाला बताया जा रहा है। उसकी मौत कैसे हुई इस पर हर किसी ने चुप्पी साध रखी है। उस इलाके के कई लोग MGM अस्पताल पहुंचे मगर कोई भी घटना के विषय में कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। एक युवक ने काफी दबाव डालने पर सिर्फ इतना कहा कि विद्युत स्पर्शाघात यानी करंट लगने से युवती की मौत हो गई है। मामले की फिलहाल पुलिस पड़ताल कर रही है। जिला भाजपा ने SSP से मिलकर मानगो घटना की निष्पक्ष जांच करने और निर्दोष व्यक्तियों को मामले में नहीं घसीटने की अपील की है। जिला अध्यक्ष नंदजी प्रसाद के नेतृत्व में भाजपाइयों ने मंगलवार को SSP अनुप टी मैथ्यूज को ज्ञापन सौंप कर मानगो की घटना में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि घटना में कुछ ऐसे लोगों को भी घसीटा जा रहा है जिनकी उनमें संलिप्तता नहीं थी।
दिनों मानगो में जो घटना हुई है उसी के संदर्भ में आज हम लोग एसएसपी महोदय के पास आए थे और हम लोग ईश्वर की कृपा और प्रशासन का जो रोल रहा उसके चलते आज पूरा शहर शांत है। ये हम लोग सबसे पहले ईश्वर की कृपा चाहते हैं कि जमशेदपुर पर बनी रहे और यह माहौल शांति और सद्भाव का माहौल बना रहे, लेकिन इसके पीछे कुछ कतिपय हमारे सामाजिक कार्यकर्ता अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने गए थे उन पर गलत तरीके से जो केस दर्ज हुआ है, प्राथमिकियां हुई है, तरह तरह के धाराएं लगे हैं, हम लोग उनको इससे अवगत कराने आए थे और उनको हम लोगों ने बारीकियों से कहा है कि आप इसकी एकदम पूरी जांच करें, निष्पक्ष होकर जांच करें। ब्रह्मलोक धाम में 29 से 31 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन होगा। उक्त जानकारी मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी गई। पहला दिन है गुरु पूर्णिमा का, महोत्सव का पहला दिन है 29, 30, 31 तीनों दिन। तो पहला दिन गांव में भारतीय जगत ब्रह्मानंद संघ के तमाम सदस्यों को लेकर के मैं इस गांव को परिदर्शन करूंगा। वहां पे परिकल्पना इस तरह से है, एक तो सामुदायिक भवन बनाने का जहां पे बेरोजगार तो है ही गांव में, औरत लोग भी घर में बैठी रहती है, तो उस औरत लोग के लिए विशेष परियोजना लेकर के मैं उस गांव में जाना चाहता हूं। अच्छा गया भी हूं। भवन के लिए मुझे विद्युत महातो जी ने, मतलब एमपी को हिंदी में क्या बोलेंगे, सांसद जी, हमको जमीन उपलब्ध करवाए हैं, जिस जमीन में मैं तो सामुदायिक भवन बनाने जाना जा रहा हूं, उसे आशा करता हूं कि आगामी 23 अक्टूबर तक वो कंप्लीटली तैयार होकर के मेरे सामने रहेगा। जब उस भवन के अंदर में मैं उस बहन लोग को बुलाऊंगा, जी लोग को, इच्छुक बहन लोग को, कि भाई आओ आकर के पापड़ बनाओ, मोमबत्ती बनाओ, कपड़ा दे दूंगा, कपड़ा से मैं सिलाई करके अपना जो रोजगार खुद ढूंढो, सब कुछ कुछ बंदोबस्त मैं ही करूंगा, पापड़ का जुगाड़ भी मैं दूंगा, मोमबत्ती का जुगाड़ भी मैं दूंगा, उन लोग का सेल भी मैं करवा दूंगा ताकि सेल हो जाए, उसके पास में पॉकेट में पैसा जाए, ये सब बंदोबस्त मैं करूंगा। आगे जाकर के प्रोजेक्ट बहुत लंबा चौड़ा है, तो गांव में घुसना आसान बात नहीं है और रहना आसान है, निकलना आसान नहीं है। दूसरी ओर श्री शिरडी साईनाथ मंदिर रामनगर में इस वर्ष भी साई महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रमों की जानकारी ट्रस्ट के सदस्यों ने दी। श्री जाति से हमारा प्रोग्राम बाबा का 10वां स्थापना महोत्सव मना रहे हम लोग और सुबह प्रात 30 तारीख को प्रात 5:30 बजे और इसके बाद तत्पश्चात पूजा और हवन इत्यादि और इसके बाद हम लोग का प्रोग्राम है बाबा का। शहर में जनजीवन सामान्य एवं शांति व्यवस्था बहाल होने पर नूर कॉलोनी वेलफेयर कमेटी ने एसएसपी को गुलदस्ता भेंट कर शुक्रिया अदा किया। शहर में शांति व्यवस्था फिर से बहाल होने एवं आम जनजीवन सामान्य हो जाने पर मानगो नूर कॉलोनी वेलफेयर कमेटी ने एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज को साधुवाद दिया। कमेटी के शहादत खान ने पुलिस कप्तान को गुलदस्ता भेंट किया। जमशेदपुर के प्रशासन, खास करके एसपी साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, डीसी साहब को धन्यवाद देता हूं, एसडीओ साहब को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बड़ी घटना घटते घटते प्रशासन का इतना खूबसूरती से इन्होंने काम किया कि एक बड़ी घटना जमशेदपुर में घटने से बच गई। मैं सारे संस्था की तरफ, नूर वेलफेयर कमेटी की तरफ से, मैं सारे लोग आके हम लोग आज एसपी साहब को, डीसी साहब को हम लोग फूल भेंट किए हैं, बुके दिए हैं कि सर आगे भी हमारा शांतिपूर्ण पूरा जमशेदपुर ऐसी शांत रहे और आपका हमेशा सहयोग चाहिए। प्रशासन बहुत खूबसूरती से, पिछले दिनों जैसा दंगा का माहौल बना, प्रशासन ने बहुत खूबसूरती से साथ दिया और पब्लिक के साथ मिल के पूरे माहौल को शांत कर दिया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है और हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। स्वर्णकार विकास मंच द्वारा मंगलवार को साक्षी जैन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शिविर में जमशेदपुर ब्लड बैंक और रेड क्रॉस सोसाइटी का भी सहयोग रहा। पूर्व राष्ट्रपति जी का निधन के ऊपर एक शोक संदेश हम लोग दो मिनट मौन रख करके, स्वर्णकार विकास मंच ने 2 मिनट का मौन रख करके एक श्रद्धांजलि उनको दिया गया और उसके बाद ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि श्री मिथिलेश कुमार जी साथ में थे और बाकी गुंजन यादव एवं समाज के अन्य वरिष्ठ लोग। और आज हम लोग का यह ऐतिहासिक ब्लड डोनेशन कैंप है
क्योंकि आज अब्दुल कलाम जी को ये समर्पित है, स्वर्गीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन कहा गया है उनके नाम पर ये समर्पित हम लोगों ने किया है यह रक्त।